हेलो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे प्रिपेयर किए जाए। तो दो क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टडी किए हैं हमने पिछले वीडियोस में, अभी हम थर्ड देखने जा रहे हैं, प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज। पहले जो दो सॉल्व किए उससे यहाँ पे क्या डिफरेंट है, यहाँ पे पेई का भी नेम दिया है, तो किस तरह से फॉर्मेट बनेगा आपको फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने के लिए। पहले दो यहाँ पे मैंने स्टैम्प के लिए स्क्वायर बॉक्स बनाया और अमाउंट के लिए एक बॉक्स रिक्टेंगुलर बनाया। यहाँ पे मिडल में लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा एड्रेस ऑफ ड्रॉवर और ड्रॉवर का नेम। तो ड्रॉवर का नेम क्या है, यू कैन सी नीरज जोशी, नेम ऑफ ड्रॉवर नीरज जोशी, एड्रेस उसके नीचे ही लिखना है MG रोड डोंबिवली। चलो लिखा, अभी उसके नीचे क्या लिखेंगे, डेट ऑफ बिल। तो डेट ऑफ बिल क्या है, 15 मार्च 2020। यस, डन इट। अभी यहाँ पे लिखनी है अमाउंट, जो अमाउंट है कितनी, 7500, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 7500, ओके। अभी क्या, अभी आएगा मैटर, स्टार्ट होगा पीरियड से, पीरियड है 60 डेज का। यहाँ पे लिखेंगे 60 डेज After the date, pay to, अभी हम me नहीं बोल सकते, pay to me, जब भी दो persons थे drawer and drawee, तभी pay to me और my order ऐसे बोलेंगे, but यहाँ पे दो person के अलावा तीसरा person भी है जो है pay, तो pay to pay, pay यानी ये वो person रहेगा जो amount receive करेगा, finally जिसको amount मिलेगी वो रहेगा pay, तो यहाँ पे amount किसे मिलने वाली है, अमर पाटिल को, तो उसका ही नाम लिखना पड़ेगा ना, pay to pay, जो नाम है अमर पाटिल, तो यहां पे लिखेंगे क्या उसका नाम, पे टू अमर पाटिल एड्रेस के साथ नासिक। और अगर अमर लिखा है तो उसका जो भी प्रोनाउंस यहां पे बनेगा वो रहेगा हीज, जैसे मी के लिए माय था वैसे यहां पे अमर के लिए हीज बनेगा, पे टू अमर पाटिल और हीज ऑर्डर, और भी बाकी मैटर सेम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे नाम का और फीस का चेंज होगा। और द सम ऑफ रुपीज, कितनी रुपीज, 7500 ओनली, और इम्पोर्टेंट वर्ड फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड, ये लिखना जरूरी है, ओके। चलो अभी क्या, अभी तुरंत आएगा सिग्नेचर किसका, बनाने वाले का यानी ड्रॉवर का, सिग्नेचर तो नहीं कर सकते ना, नाम लिखेंगे नीरज जोशी, फिर वो किसे भेजना है, ड्रॉवी को, तो ड्रॉवी को भेजने के लिए ड्रॉवी का नाम आएगा, क्या है देखो ड्रॉवी का नाम, सचिन शर्मा 29 अमरदीप थाने, ठीक है पूरा लिखेंगे, तो यहां पे आएगा सचिन शर्मा 29 अमरदीप थाने, तो उसको भेज दिया, तो पढ़ेगा फिर एक्सेप्ट करेगा ना, तो यहां पे बाजू में हम लिखेंगे एक्सेप्टेड इन्वर्टेड कॉमा में, एक्सेप्ट करने वाले का सिग्नेचर आता है, चलो सिग्नेचर आ गया, तो हम तो सिग्नेचर नहीं कर सकते, नाम लिखेंगे इसने सिग्नेचर किया सचिन शर्मा, और फिर जो डेट रहेगा एक्सेप्टेंस के लिए वो रहेंगे लिखेंगे यहाँ पे, तो है हमारे पास 20 मार्च 2020 डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे
क्योंकि एक्सेप्ट किया 20th मार्च 2020, और यहाँ ये लिखने के बाद अपना बिल फॉर्मेट रेडी हो गया, ओके बन गया, फिर क्लोज कर देंगे। चलो बॉक्स में ही लिखना है, फिर ये आ गया अपना पूरा बॉक्स। तो इस तरह से बन गया हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो यहाँ से मैटर देखो कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे पेई का नाम आया और पेई का नाम मेल पर्सन है इसलिए हीज लिया। अगर यहाँ पे कोई फीमेल नेम आता तो हम यहाँ पे लेंगे हर। ओके, फोर्थ प्रिपेयर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन। सो इन्फॉर्मेशन दिए ड्रॉवर नेम, यहाँ पे बाजीराव पाटिल मेन रोड कोपरगांव, ड्रॉवी गुलाबराव माने गंगापुर पेई शीतल जोशी नासिक। पीरियड दिया है, अमाउंट दिए, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हमें बताया अभी बिल कैसे बनाना है। चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे मिडल में, आपको बताया स्टैंप आएगा स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स पर अमाउंट। यहाँ पे ड्रॉवर की इंफॉर्मेशन आएगी, नेम फर्स्ट क्या दिया है बाजीराव पाटिल मेन रोड कोपरगांव, तो यहाँ पे लिखेंगे बाजीराव पाटिल एड्रेस मेन रोड कोपरगांव, और डेट ऑफ बिल आएगी जो रहेगी 17th फेब 2020। ठीक है, नाउ पीरियड देखो 3 मंथ्स का है तो उसी हिसाब से मैटर लिखना है, 3 मंथ्स वर्ड में आएगा। हाँ अमाउंट भी तो लिखनी है, कितनी अमाउंट 40,000। ओके तो चलो पीरियड स्टार्ट करेंगे 3 मंथ्स, यहाँ पे लिखेंगे 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू, किसे पे करना है पेई को, नाम दिया है थर्ड पर्सन का, जब भी पेई का नाम नहीं रहेगा तो मी और माई लेना है, तो पहले दो सम से हमने सीखा ही है, पेई का नाम है तो वो लेंगे शीतल जोशी अन्नाशी। ओके तो पे टू पेई जिसका नाम है शीतल जोशी, शीतल जोशी नासिक, और अब यो फीमेल नेम है तो हम यहाँ पे लेंगे हर ऑर्डर। ओके अभी क्या आगे लिखेंगे, हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 40,000 ओनली फॉर दी वैल्यू रिसीव्ड इम्पोर्टेंट वर्ड। ओके तो तुरंत सिग्नेचर करेगा कौन, यस ड्रॉवर करेगा, तो सिग्नेचर तो नहीं कर सकते यहाँ पे फिलहाल, तो नाम लिखेंगे बाजीराव पाटिल जो ड्रॉवी का नेम है, ड्रॉवर का नेम है, भेजेंगे किसे ड्रॉवी को, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉवी का नेम टू, देखो ड्रॉवी का नेम क्या है गुलाबराव माने गंगापुर, लिख दिया और फिर वो एक्सेप्ट करेगा। लिखिएगा एक्सेप्टेड, सिग्नेचर करेगा कौन, वही ड्रॉवी सिग्नेचर कर दी, चलो मतलब नाम लिखा, और एक्सेप्टेंस की डेट आएगी जो है 19th फेब। ओके और यहाँ पे अपना बिल फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे बॉक्स कंप्लीट कर देता हूँ।
आई होप आपको बिल कैसे बनाना है समझ में आया होगा आपका, ठीक है।